Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 9 application of trigonometry. A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. Angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower and विड्थ ऑफ द केनाल. हमें ये एक डायग्राम गिवन है. ए बी हमारा एक टावर है, ठीक है, और हमें हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है. इसको हम ले लेते हैं, ये एच है, ठीक है, और विड्थ ऑफ केनाल, विड्थ ऑफ केनाल हो जाएगी बी सी, इसको हम ले लेते हैं एक्स. ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी. सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस वन, राइट. टेन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एच अपॉन एक्स. टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. सो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया रूट थ्री एक्स. ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब हम लेंगे ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, राइट. इसमें हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, राइट. टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री. ए बी है हमारे पास एच और बी डी हो गया हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, दैट इज 20 प्लस एक्स, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया रूट थ्री एच इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और एच की जगह हम यहाँ फर्स्ट से ये वैल्यू रूट थ्री एक्स यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स. रूट थ्री इंटू रूट थ्री होते हैं थ्री, तो थ्री एक्स, और इस एक्स को ले आएंगे हम लेफ्ट साइड पर तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, देन टू एक्स इज इक्वल टू 20. सो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 मीटर, ठीक है. एंड एक्स की वैल्यू हम किस में डालेंगे, इसमें डाल देंगे तो एच इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट थ्री इंटू 10 दैट इज 10 रूट थ्री मीटर. ये हमारे पास एच आ गई, मतलब ये हमारी हो गई क्या हाइट ऑफ टार. हाइट ऑफ टार दैट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 रूट थ्री मीटर, एंड विड्थ ऑफ केनाल ये हमारे पास आ गई 10 मीटर. यही दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.